शिक्षक सड़कों पर, उस देश का आलम क्या होगा। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं हूं आज देहरादून में परेड ग्राउंड में और यहां हो रही है अतिथि शिक्षकों की रैली, महा आंदोलन, जो कि अपने अधिकारों के लिए आज सड़कों पर देखने को मिल रही है। पहाड़ के दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर अपनी सेवा देने वाले गेस्ट टीचर, अतिथि शिक्षक आज देहरादून के सड़कों पर यूं घूमते फिर रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने सुरक्षित भविष्य के लिए। क्या सरकार को इनसे बैठकर बात नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन सरकार इनको लगातार दिए जा रही है, कभी सैलरी के एवज में, कभी पदलोक के एवज में। लगभग 4,500 गेस्ट टीचर इस समय उत्तराखंड में के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं, जो कि 2015 से कार्यरत हैं। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे इन अतिथि शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बच्चों के भविष्य को बनाते बनाते इन्हें अपने भविष्य का कोई पता नहीं है कि वास्तव में इनका भविष्य किस तरफ जा रहा है, और सरकार, इनकी सरकार या फिर विभाग इनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं। जब अतिथि शिक्षकों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का प्रयास किया, यानी कि अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा, तो सरकार इनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। मजबूरन अतिथि शिक्षकों को सचिवालय के पास, निदेशालय के पास परेड ग्राउंड में एकत्रित होना पड़ा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ करके लेनी पड़ेगी। वो सरकार बदल ली है। आपको क्या लगता है, क्या अतिथि शिक्षकों की मांगे नाजायज है? जो सरकार निकम्मी है। मैं आपको बताऊं कि मात्र 3 मांगे अतिथि शिक्षकों की सरकार या फिर विभाग या फिर मंत्रियों से है। पहली मांग है कि बार बार प्रभावित होने से बेहतर यह है कि अतिथि शिक्षकों के पदों को लॉक कर दिया जाए, अर्थात एक प्रकार से सुरक्षित भविष्य। दूसरा इनकी मांग है कि जो प्रभावित साथी हैं उनका समायोजन किया जाए, और तीसरा है क्योंकि दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर ये लोग सेवा दे रहे हैं, तो वेतन वृद्धि का मसला तीसरा इनका सरकार से है। तो क्या सरकार को इनके साथ बैठ करके इस पर बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या इनकी मांगे जरूरत से परे हैं? नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से दुर्गम क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं और सरकारी स्कूलों का रिजल्ट इन अतिथि शिक्षकों के विद्यालय में आने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी काफ़ी सुधार आया है। एक तरफ जो छात्र हैं वो अतिथि शिक्षकों की विदाई पर रोना धोना कर रहे हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षक जो भी उनको पढ़ा रहे हैं, मन लगा के पढ़ा रहे हैं, तो उनसे लगाव एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि छात्रों को भी हो गया है। तो जब भी कोई शिक्षक प्रभावित होता है, आपने ऐसे वीडियोज कई देखे होंगे कि बच्चे जब उनकी विदाई करते हैं तो वो रोते हुए नजर आते हैं। लेकिन सरकार को इनके आंसू नजर नहीं, नौनिहालों का जो भविष्य है वो नजर नहीं। एक तरफ सरकारी जो शिक्षक हैं वो स्थानांतरण और ट्रांसफर पर लगे हुए हैं, जिससे कि स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, और दूसरी तरफ सरकार इनके स्थानांतरण के बाद जो अतिथि शिक्षक प्रभावित हुए हैं उनको बाहर बैठना पड़ रहा है, उनका समायोजन समय पर नहीं होता है। तो इन्हीं के लिए अतिथि शिक्षक आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए देखिए और नारे सुनिए, जिस देश का शिक्षक सड़कों पर, उस देश का आलम। वास्तव में गुरु बिल्कुल सही कह रहे, जिस देश का शिक्षक सड़कों पर होगा तो उस देश के बच्चों का भविष्य कहाँ पर होगा? तो इसलिए आइए
एक मुहिम चलाते हैं इनके साथ, अतिथि शिक्षकों के लिए मुहिम चलाते हैं कि अतिथि शिक्षकों को सपोर्ट किया जाए, दिल से उनको नमन किया जाए। आखिरकार हम लोग के बच्चों का भविष्य भी तो बना रहे हैं। आखिर दुर्गम में नौकरी करेगा कौन? वो है गेस्ट टीचर। तो क्यों ना हम गेस्ट टीचर को सपोर्ट करें, अतिथि शिक्षकों को सपोर्ट करें। एक तरफ पुराने अतिथि शिक्षकों के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दूसरी तरफ हजार अतिथि शिक्षकों को नए भर्ती किए जा रहे हैं। हम इस भर्ती के विरोध में नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप 9-10 साल उनको यूज करने के बाद, उनकी सेवाएं लेने के बाद आपने उनके लिए क्या किया? वर्तमान में सैलरी तो आप उनको कम दे ही दे रहे हैं, सैलरी तो उनकी कम है ही। एक सरकारी शिक्षक जहां 1,00,000 रुपये तनख्वाह पाता है, वहां गेस्ट टीचरों ने 5,000, 6,000, 7,000 से शुरुआत करी है और आज बमुश्किल उनकी 25,000 हुई है। 25,000 में उन्हें अपने घर भी चलाना है, घर से बाहर भी रहना है, सभी कुछ करना है। तो नमन है ऐसे गेस्ट टीचरों को, ऐसे अतिथि शिक्षकों को दिल से आभार व्यक्त करते हैं हम उनका, जो कि जी जान से बच्चों के पीछे लगे हुए हैं। दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों के लिए वरदान कहे जाने वाले अतिथि शिक्षक आज रोड पर घूम रहे हैं। तो आइए सोशल मीडिया पर इनके लिए एक मुहिम चलाई जाए, इनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। क्या सरकार का काम नौकरी छीनना ही रह गया है? क्या सरकार इनको नौकरी नहीं दे सकती है? क्या सरकार को इनको नौकरी नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, 9-10 साल की सेवा के उपरांत अगर ये आलम है, ये हाल है, तो फिर भविष्य किस तरफ जा रहा है, आने वाला समय कैसा होगा? यदि यही घटना आपके भाई बहन या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके बच्चों के साथ हो, तो फिर बुरा लगना तो जायज है, आपको भी बुरा लगेगा, सभी को बुरा लगेगा। तो हम अतिथि शिक्षकों के लिए दिल से दुआ करते हैं और सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की मांगों को मान करके उनको विद्यालयों में वापस भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्टेटस पे पेस्ट कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम समय समय पर ज्ञानप्रद वीडियोज लाते रहते हैं जो आपके लिए सदैव लाभकारी और हितकारी होते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड। अभी जो आपको दिख रही है वह है पुलिस की गाड़ी। अभी पुलिस ने जेल भरो अभियान चालू कर दिया है और गाड़ियों में भर भर के अतिथि शिक्षकों को अलग अलग जगह छोड़ा जा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस अपने हिरासत में लेकर कुछ समय के लिए अंदर बंद करेगी, जिससे कि आंदोलन को रोका जा सके। लेकिन आंदोलन यूं ही नहीं रुकेगा, सभी लोग आगे और उग्र होंगे। कार्यकारिणी के जो भी सदस्य थे, भट्ट जी, डंगवाल जी, धामी जी या कार्यकारी सदस्य अन्य, उन सभी को अलग अलग स्थानों पर पुलिस लेके जा चुकी है और सभी अतिथि शिक्षक अब और ज़्यादा उग्र होकर के सामने आएंगे।